अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे और शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जो कि है रैप रोल, चिकन रैप रोल। देखिए, मैंने पहले से ग्रिल चिकन को ब्रेस्ट का पीस है, मैंने इसको फ्रीज किया हुआ था ग्रिल करके, ताकि कभी सडनली भूख लगे तो हम फटाफट इसको रेडी कर सके, क्विक एंड ईजी। और मैं आज इसके रैप रोल बनाऊंगी। ये सारे ब्रेस्ट के पीस हैं, ये देखिए ये फ्रोजन है, इनको मैं अभी एयर फ्रायर में पका लूँगी दोबारा से, जो कि फुल कुक भी नहीं है, हाफ कुक्ड है। तो बाकी जो रह गए हैं वो एयर फ्रायर में हो जाएंगे। और इनको पहले मैं रखती हूँ एयर फ्रायर में, जो कि तकरीबन 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने रैप रोल बनाने। ये मैंने लगा दिए हैं। अब हमें चाहिए रैप्स, ये वाले, मैं ये वाले यूज करते हैं, ब्राउन भी मिलते हैं, ये वाइट फ्लॉर के हैं, जो आपको पसंद आप ले सकते हैं। और इसके दो नहीं बनेंगे, ये है सैलेड, मैंने ग्रीन चिली यूज करनी है। अगर आप नहीं खाते तो आप ना डालें, अगर आप खाते हैं, पसंद करते हैं आपको चिली वाले, तो चिली डाल सकते हैं। बाकी ये टमाटो हैं और लेटस, ये हमारी कट हो चुकी है। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करते हैं रैप रोल का। और इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। रैप के लिए हमें ये वाली सॉसेस चाहिए। सबसे पहले तो केचप, पेरी पेरी सॉस है, मेयोनेज़ है और है बारबेक्यू सॉस, ऑप्शनल है। मेन अगर आपके पास ये दो हैं तो भी बन सकता है, जितना टेस्ट आप करना चाहें। इन दोनों के साथ भी बन सकता है, ये ना भी डालें तब भी। मैं ये डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो मैं इसलिए ये सारी डाल रही हूँ। आप इन दोनों से भी बना सकते हैं, ये चारों से भी बना सकते हैं, तो आप पे डिपेंड है। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया और चिकन भी रेडी होने वाला है, तकरीबन 2 मिनट में हो जाएगा। इतनी देर में मैं अपने रैप को जो है इसको तवे पे गर्म कर लेती हूँ और वो भी रेडी हो जाएगा। देखिए, अब मैंने एयर फ्रायर को बंद कर दिया है, अभी मैं चिकन दिखाती हूँ आपको कि कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया, बल्कि तकरीबन 7-8 मिनट में रेडी हो गया, क्योंकि ये हाफ कुक था ऑलरेडी। आ गया है हमारा चिकन, देखिए इसको मैं छोटे छोटे पीस में काटूंगी, स्लाइस में बल्कि। साथ में हम खाएंगे फ्राइज, इसको भी मैं फ्राई में बनाऊंगी। ऐसे पीस काटने हैं आपने इस तरह। अब मैंने रैप बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमें चाहिए मायोनेज, मायोनेज को डालते हैं इसके ऊपर। ये स्पून की मदद से आपने इसको सारा लगा देना है ऐसे। अब चाहिए केचप, केचप को भी सारा स्पून के साथ
आपने लगा देना है रैप के ऊपर। ये लग गया। अब इसमें जाएगा सैलेड। ग्रीन चिली, और चिकन, सारे अपने रैप ऐसे रेडी कर लूंगी। देखिए जी, हमारे रैप हो गए हैं रेडी फ्राइज के साथ। अब हम करेंगे इनको एंजॉय। तो रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय।